अब डायमंड के बाद बात करते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड में अभी क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। हमारे साथ दो और खास मेहमान हैं, भाविक पटेल हैं और वीरेन वकील हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आपको भी, आप भी आराम करेंगे, करवाएंगे भाविक जी गोल्ड को, या कुछ काम करवाना चाहते हैं आप? गुड इवनिंग भतीजे जी। आई थिंक गोल्ड के कंपैरेटिवली चांदी अच्छी लग रही है। चांदी आज नया हाई भी बनाया है और काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। जैसा बीरेन भाई ने बताया कि गोल्ड अगर देखे तो आई थिंक थोड़ा सुस्त हो गया, कॉन्सोलिडेट हो रहा है, और ये फ्राइडे को जो यूएस के पीसी के डेटा आने वाले हैं आई थिंक सभी उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो थोड़ा साइडवेज हो गया है, तो उसकी वजह से आज बहुत प्राइस मूवमेंट नहीं है। बट हाँ, अगर किसी को ट्रेड करना है तो आई थिंक सिल्वर ज़्यादा बेहतर रहेगी। ओके ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई कि बुलियन में अभी आपको करना क्या है। छोटा शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला, और पहला सवाल है सत्यपाल का, पूछिए। जी नमस्कार जी, मैंने जिंक लिया है 277 में और एनजी लिया 235 में, कहाँ स्टॉप लगाए और क्या करना चाहिए? 277 में और एनजी 235 में आपने लिया है, ठीक है, बताइए भाभी जी क्या करना चाहिए इनको? देखिए आई थिंक जिंक के तो मुझे लग रहा है कि 274 का स्टॉप रख सकती है, और टारगेट ऊपर का रख सकते हैं 280 का। और नेचुरल गैस की बात करें तो आई थिंक नेचुरल ओके, 21 स्टॉप लॉस से बने रही है, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 237 का। 237 का नेचुरल गैस का ऊपर का टारगेट। अच्छा, कॉलर जिगर ठक्कर हैं, पूछिए ठक्कर साहब। भाविक जी से सवाल है, आज गोल्ड में ट्रेड करें या सिल्वर में, कौन से रेट से करें? आज गोल्ड में ट्रेड करें या सिल्वर में, बताइए भाविक जी। देखिए गोल्ड थोड़ा सुस्त लग रहा है, बट सिल्वर अभी भी स्ट्रांग लग रहा है, तो आई थिंक सिल्वर में ही ट्रेड करना चाहिए। मुझे लग रहा है यहाँ करंट मार्केट प्राइस से आप बाय कर सकते हैं। 94,800 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 96,400 का, क्योंकि ऑल टाइम हाई के करीब है, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिएगा और पोजिशन कैरी फॉरवर्ड मत कीजिएगा। ठीक है, गोपाल है नेक्स्ट कॉलर, पूछिए गोपाल जी। सर नमस्कार, मेरा भाविक जी से सवाल है। मैंने अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में एक गोल्ड बाय किया है 72,160 रुपए पे, तो सर उसकी उसका टारगेट क्या होगा और इसमें स्टॉप लॉस क्या लगाएं, और क्या ये ट्रेड सही है लिया हुआ? 72,160 में आपने बाय किया है? यस। अच्छा, क्या क्या सुझाव आपका भाविक जी? देखिए उनकी इंट्राडे पोजीशन है या आई थिंक 1 से 2 दिन की होल्डिंग है वो मुझे नहीं पता, बट अगर इंट्राडे पोजीशन है तो ठीक है रखिए। इंट्राडे की 21,900 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और टारगेट ऊपर का 72,600 का। और अगर पोजिशनली है 1 से 2 वीक का, इनफैक्ट 3-4 दिन का भी व्यू है, तो मैं बोलूंगा कि 71,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड कीजिए, और ऊपर का 73,200 का टारगेट रखिए। ओके, बहुत शुक्रिया भाविक जी आपका, बीरेन जी आपका, जुड़ने के लिए, तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद देखिए।